अस्सलामु अलैकुम। रेसिपी हब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन बिरयानी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स मटन लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके एक स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। धनिया यहाँ पे मैंने लिया है एक बंच, और चार टमाटर मैंने इस तरह से चॉप कर लिए हैं। चार बड़े प्याज को मैंने थिनली स्लाइस कर लिए हैं, और इसी के साथ यहाँ पे मैंने पांच छोटी हरी मिर्च जो है वो बीच में से स्लिट कर लिया है। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, एक कप दही मैंने यहाँ पे लिया है, एक बड़े नींबू का रस मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते, तेल, यहाँ पे मैंने चार टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और खड़े गरम मसालों में मैंने पांच दालचीनी के टुकड़े, पांच इलायची और पांच लौंग लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बर्तन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमें थोड़ा सा ज्यादा ही लेना है, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें हम ये खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही जो गरम मसाले हैं वो फ्राई होंगे और एक अच्छी सी खुशबू इनमें आने लगेगी, हम इस प्याज और हरी मिर्च को इसमें ऐड कर देंगे। थिनली हमने प्याज को स्लाइस कर लिया है, तो मिर्च भी हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से मैं यहाँ पे मिक्स कर दूंगी। अनियंस को हमें ब्राउन होने तक पकाना है। अच्छे से मैं यहाँ पे इन अनियंस को फ्राई होने दूंगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद हमारी जो प्याज है वो कुछ यू नजर आ रही है, ये परफेक्टली ब्राउन हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। चार टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया था, तो मैं यहाँ पे इसमें ये ऐड कर दूंगी। गैस की फ्लेम मैंने हाई पर ही रखा है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से इस प्याज के साथ मिक्स करूंगी और इसे अच्छे से मैं रोस्ट कर लूंगी, ताकि जो एक रॉ स्मेल होती है जिंजर गार्लिक की वो चली जाए। 3 से 4 मिनट बाद जब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से कुक हो गया है, तो मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी। मटन आप अपनी फैमिली की क्वांटिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मटन ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मटन को हमने एक स्ट्रेनर में डाल के रखा था ताकि इसका सारा एक्सेस पानी जो है वो ड्रेन हो जाए, लेकिन अब यहाँ पे इस पॉइंट पर ऐड करने के बाद भी मटन काफी ज्यादा पानी रिलीज करेगा, तो वो रिलीज होने तक हम इस मटन को पकाएंगे। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम हमें हाई ही रखनी है, और मटन के कलर बदलने तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से इसे हम भूनेंगे। बीच बीच में चलाते हुए मैं इसे पका रही हूँ, और जब मटन का रंग अच्छे से बदल चुका है तो हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 2.5 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी, और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज की है, तो मैं 2.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड करूंगी। ये ज्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इसका रंग बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अच्छे से यहाँ पे मैं इन मसालों को मिक्स कर रही हूँ इस मटन के साथ। आप देख सकते हैं ऑयल कितने अच्छे से रिलीज हुआ है। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, साथ ही साथ कटा हुआ हरा धनिया भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी इसमें मैं ऐड करूंगी। थोड़े मैंने बचा लिए हैं जो मैं राइस में ऐड करूंगी, और इन सब चीजों को भी मैं इस मटन के साथ मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे जो नींबू का रस मैंने लिया था वो भी मैं इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दूंगी। खटास और तीखापन आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं इन्हें पकने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए मैंने जीरा राइस का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ब्रांड का जो है और कोई भी टाइप का राइस बना सकते हैं अपने पसंद का। इसे मैं अच्छे से 3-4 बार धो के इसे भिगो दूंगी मैं, तकरीबन आधे घंटे के लिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अखनी है वो बनती जा रही है, अच्छे से पक रही है, ऑयल भी अच्छे से ऊज आउट हो चुका है। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी, फ्लेम को मैंने कम करके इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करके मैं फ्लेम को फिर से हाई पर कर दूंगी। दही को इन मसालों में अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। यहां पे एक बर्तन में मैंने 8 ग्लास पानी मैंने इसमें ले लिया है और इसे मैं गर्म होने के लिए ढककर रख दूंगी। यहाँ पे जो ग्रेवी है मटन की वो भी अच्छे से बन रही है, पक रही है और मटन को हमें गलने तक पकाना है। तो इसे मैं ढककर पकाती जा रही हूँ और बीच बीच में इस तरह मैं इसे चेक भी करती जा रही हूँ। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मटन गला है या नहीं। इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है तो इसे मैं वापस से पकने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे हमारा पानी भी जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें मैं पुदीने के पत्ते ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर जब इसमें परफेक्ट एक बॉयल आएगा तब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 ग्लास जो है चावल लिया है, तो आधे किलो मटन के लिए मैंने 2 ग्लास चावल का इस्तेमाल किया है। चावल ऐड करने के बाद मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी। नमक आप ज्यादा ही ऐड कीजिएगा क्योंकि हम इवेंचुअली पानी जो है वो निकाल देंगे, तो चावल हमारा फीका नहीं रहना चाहिए। जो ग्रेवी हमने बनाई थी उसके ऊपर जो तेल निकला था वो हम एक बोल में निकाल लेंगे क्योंकि ये हम राइस के ऊपर जो है डालेंगे। चावल में मैंने थोड़ा सा केसर येलो कलर भी ऐड कर दिया है, ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो अच्छा लगेगा। चावल को हमें बस 7 से 8 मिनट के लिए ही पकाना है वरना ये बहुत ही जल्दी जो है चावल गल जाएंगे। यहाँ पे एक तवे के ऊपर मैंने इस बिरयानी के पॉट को रख लिया है और जैसे जैसे चावल पकते जा रहे हैं मैं उसे एक स्पून की मदद से निकाल के यहाँ पे इस ग्रेवी के ऊपर लेयर करती जा रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने सारे चावल को जो है इसी तरह से इस ग्रेवी के ऊपर यू लेयर कर दिया है। हमारे राइस सिर्फ हाफ डन हुए हैं, अब ये बाकी जो है दम में पकेंगे। तो इस तरह से हमें इन चावलों को जो है अच्छे से ऊपर तक इस तरह डाल देना है और जो ऑयल हमने निकाला था वो हम इसमें इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। अच्छे से एक स्पून की मदद से मैं इसे इस तरह से सेट कर रही हूँ और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए जो है घी का इस्तेमाल किया है। इससे एक अच्छा रिच फ्लेवर आएगा बिरयानी में। अब इसे मैं एक कपड़ा ऊपर रख के इसे दम दूंगी, तो आप आटे की मदद से भी इसे दे सकते हैं दम या फॉइल की मदद से भी। बीच में मैं इसे इस तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स कर दूंगी और फिर तकरीबन एक 15 मिनट्स के लिए मैंने इसे दम दिया है टोटल। अब मिक्स करने के बाद मैंने 15 मिनट्स दिया है और मिक्स करने से पहले मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है दम दिया था। तो हमारी बिरयानी बिल्कुल बनके तैयार है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और हमारा राइस जो है वो बिल्कुल परफेक्टली कुक हुआ है, एकदम से गला भी नहीं है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में जो है ये कुक हो चुका है। मैंने इसे रायते के साथ सर्व किया है। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो बिरयानी हर घर में बनती है और अलग अलग तरीक़ों से बनती है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।